52 वर्षीय राजमिस्त्री हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे CHC लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर CO गोविंद्रपाल गौतम व कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गंज टुंडवाना के ग्राम खरपड़ा में महिपाल सिंह पुत्र किशनपाल सिंह के भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। गांव के नत्थू का 52 वर्षीय पुत्र राजमिस्त्री बेंचेलाल मजदूरों के साथ काम कर रहा था। निर्माणाधीन भवन के ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। काम करते वक्त बेंचेलाल हाई टेंशन लाइन की जद में आ जाने से बुरी तरह से झुलस गया। परिजन उसे आनंद फानन में CHC लेकर आए। रास्ते में ही बेंचेलाल ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप था कि बार बार कहने के बावजूद विद्युत विभाग ने घर के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन को नहीं हटाया। अगर समय रहते लाइन हटा दी गई होती तो यह हादसा ना होता। घटना की तहरीर मृतक के पुत्र रविदास ने कोतवाली में दी। रिपोर्टर फहीम अख्तर की रिपोर्ट। महिपाल सिंह, ये बताइए, बेंचे सिंह की जो मौत हुई है, क्या है मामला पूरा? जी, हमारे गांव खरपरा गांव में हमारे लेंटर पे काम कर रहे थे, तार नीचे थे, तार बहुत नीचे थे, जो गर्दन मतलब बखाते ही टच हो रहे थे, ये मकान वो तार टच हो गए, ये गिर पड़े। हमने बिजली वालों से कल हमारा लेंटर पड़ा था, हमने कल कहा था। किस बिजली विभाग वाले से कहा था? दिनेश बिजली विभाग का लड़का है। उसने क्या कहा? उसने कही भाई 50,000 रुपये दो तो काटेंगे लाइन एक दिन के लिए, केवल ये दो घंटे के लिए काटेंगे, और इसका हर्जा कौन भरेगा, पूरे गांव की लाइट का। तो मैंने साहब एक दिन का हर्जा में क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बोला नहीं, 50,000 से कम नहीं लगेंगे साहब। तो मैंने हमारे साहब इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। तो बोले नहीं कटेगी लाइन। हमने क्यों नहीं कटेगी साहब, बोल नहीं कटेगी। तो मैंने भैया ना कटे, फिर हमने वहाँ पर ही अपने आदमी लगा रखे थे, तब लेंटर डरवाया। आज वो काम चल रहा था उसमें, ये लोग नहीं सुनते हैं। इसकी शिकायत आपने बिजली विभाग के जेई से की थी क्या? जेई से की थी, हमने एंट्री को वो कही थी, तो उन्होंने जाके जो पहले घर तर था अंदर था वहाँ, मैंने घर पहले घर था पहले हम बिजली पहले थी, मैंने बिजली पहले थी तो घर बनेंगे नहीं वहाँ पर ही, तो लोग रखे बनेंगे तो क्या करें, अपने संभाल के रखो। मैंने संभाल के रखे, जब लाइन हमारे घर में आ रही तो कैसे रखे जाएंगे संभाल के।